दबंग महिला से परेशान होकर गांव वालों ने डीएम कार्यालय व पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। जी ये मामला बिडमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जिसको लेकर आज बिडमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बुडबेड़वा गांव के निवासियों द्वारा सोनभद्र डीएम कार्यालय व पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामवासी ग्राम बुडबेड़वा थाना बिडमगंज जनपद सोनभद्र के निवासियों द्वारा बताया गया कि हम उपरोक्त महिला सुषमा केसरी पत्नी ध्रुव प्रसाद द्वारा आए दिन गाँव वालों से झगड़ा कर नए नए हथकंडे लगाकर फंसाने का प्रयास करती है एवं वीडियो बनाकर रुपए ऐंठने का काम करती है। इस महिला से भयासंकित एवं पीड़ित है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि उस महिला द्वारा आए दिन किसी ना किसी से विवाद करके अपने महिला होने का फायदा उठाकर गांव के किसी भी पुरुष पर बलात्कार का आरोप एवं महिलाओं को डराना धमकाना और भद्दी भद्दी गालियां देने के लिए आम बात है। उसका कोई व्यवसाय नहीं है, जीवन यापन के लिए रेलगाड़ी रुकने पर कोयला चुराने एवं लोगों से वाद विवाद कर समझौता के नाम पर रुपए ऐंठने एवं रुपए ना देने पर छेड़खानी में फंसाने की धमकी देने का काम करती है। इससे पहले भी कोयला मामले में रेलवे द्वारा उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, गाँव वालों का ये भी कहना है कि वो महिला अपने भाई से भी मुकदमा लड़ रही है। पूर्व में भी घटना के बारे में जानकारी बतौर रजिस्ट्री गाँव वालों द्वारा भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही समस्या को लेकर आज गांव के करीब 10 से 15 संभ्रांत लोगों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। क्या नाम है आपका चाची? शांति देवी। कहाँ रहती हैं आप? निवासी स्थान कहाँ है आपका? ब्लॉक कौन सा पड़ता है? दूधी पड़ता है। क्या मामला है आपका? क्या यहाँ एसपी ऑफिस आई है? क्या करने आई है आप? किस चीज़ का लकड़ी काट रही थी? अरे किस चीज़ का, किस का, कहाँ पे लकड़ी था काट रही थी? रेलवे के प्लेटफॉर्म में। रेलवे के प्लेटफॉर्म में? रेलवे जाप ले जाओ कट ले रन तो वो हमके दे लेगा। अच्छा, तो हम ले जाए लगी तो वो नाम के हमारा मारे लगा। कौन मारने लगा? सुषमा केसरी। ये कौन है सुषमा केसरी? गाँव की ससुरा बानी कड़वा। अच्छा, नैहर बानी। तो उससे आपका विवाद है? हाँ। तो सिर्फ आप ही को परेशान करती है? और भी लोग? नहीं, सबके परेशान कर रहा है। बहुत लोग सबके मारी ढेला पकल से वीडियो बनाई और कही कीजिए हमारे इतना पैसा दे और नहीं तो हम थोड़ा भेजाने के बजा दी। मतलब आपका कहना है कि वो कई तरीके से प्रताड़ित कर रही है? हाँ। और आप लोग को मारने पीटने की धमकी देती है? हाँ, ये चीजें। हाँ। अच्छा, तो आप क्या मतलब एसपी ऑफिस आए हैं तो क्या न्याय चाहते हैं आप लोग? एसपी भाई उनका करवाई चाहे थे भाई सब के दम प्रसाद के लिए बात उनका अधिकरण। अच्छा ठीक है। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम गोपाल। आप कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सभा। ये मामला क्या है, किस जगह का है? ये रेलवे लाइन के किनारे प्लेटफॉर्म का है। क्या मामला है ये, आप पूरा विस्तार से बताना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम पूरा नहीं बता पाएंगे कुछ भी, लेकिन ये लोग कहने के अनुसार वो प्लेटफॉर्म पे हर साइन का पेड़ था। अच्छा, वो रेलवे ट्रैक से आपको लाइन से टच होने वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो लोग रेलवे स्टाफ जो है कटवा दिया। अच्छा, उसको कटवा दिया। अब ये लोग को बोल दिया कि ले जाइए आप जलाने उलाने के लिए खाना ले जाइए। हाँ, अब ये लोग ले जाने लगी तो वो दबंगई करती है सबके साथ मारपीट। अब रेलवे बाउंड्री में ही रहती है। अच्छा, रेलवे बाउंड्री में रहती है, दबंगई करती है, लकड़ी ले जाने से मना कर रही है। हाँ, मना कर रही थी, मारपीट शुरू कर दिया। तो केवल ये मतलब आप ही लोगों के साथ ऐसा है कि सबके साथ? अरे पूरे गाँव के लोगों का पाइए तो आपको मैं 1500 का साइन करवा दूँ। मतलब बहुत लोग हैं जो इस औरत से पीड़ित हैं, पीड़ित है जी। और रेलवे की जमीन, मतलब रेलवे की जमीन पे रहती है कि उसका अलग का? नहीं, रेलवे का जमीन पे रहती है। मतलब रेलवे की जमीन पे कब्जा करके वो रह रही है और दबंगई से दबंगई करती है। अच्छा, ये बताइए चाचा जी, वो जिस महिला का आप नाम बता रहे हैं जो दबंग टाइप की महिला है जी, वो रेलवे के
जमीन पे रह रही है तो क्या वो रेलवे के कर्मचारी है या रेलवे के अंदर में काम करती है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब तब उसको जमीन किस तरीके से अलाट हो गया? अलाट नहीं हुआ है जी, जबरदस्ती हुआ अलाट किया, मतलब अवैध तरीके से अतिक्रमण करके रहे, अतिक्रमण करके नहीं है। तो कोई कर्मचारी रेलवे विभाग का एक्शन लेने वाला? एक्शन लेने वाला कोई नहीं है, अगर एक्शन कोई लेगा उसको भी रेत के सर फंसा देगी। अच्छा, मतलब कि आप, मतलब आप लोग की तरफ कोई लिखा पड़ी की गई रहने के लिए? बहुत हुआ है, कोई सुनवाई कोई सुनवाई रेलवे की तरफ से? कोई सुनवाई नहीं, रेलवे की तरफ से कोई सुनवाई नहीं, इसलिए कि लेडीज है, इसलिए उससे कोई लगने नहीं चाहता। लेडीज के चलते ये बताइए, हाँ तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं कि वो शांति बना के रहे। अच्छा, लेकिन वो शांति बना के रहने वाली नहीं है, मतलब दबंग टाइप का है, गुंडी है वो, गुंडी गुंडी, मतलब मारने पीटने में कभी कसर नहीं है, नहीं, 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 किसी को भी किसी को भी।